ब्लड गौर खून खराबा वॉयलेंस हॉरर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोसों दूर है, पर अब एमसीयू ने इन एलिमेंट्स को अपना लिया है वेयरवुल्फ बाय नाइट के रूप में, जो डिज्नी प्लस की एक घंटे की हैलोवीन स्पेशल है। तो चलिए जानते हैं कैसा है मार्वल का यह नया एक्सपेरिमेंट वेयरवुल्फ बाय नाइट के रिव्यू और ब्रेकडाउन के साथ। हैलोवीन एक ऐसा अमेरिकन फेस्टिवल है जहां साल में एक बार अमेरिकन मरे हुए लोगों को याद करते हैं। इस दिन अमेरिकन भूतों या भूत वाली फिल्मों के किरदारों के ड्रेसेस पहनकर हैलोवीन पार्टीज में जाते हैं। इसी त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए मार्वल लाई है अपनी एक घंटे की स्पेशल। वैसे इस वीडियो में वेयरवुल्फ बाय नाइट को लेकर स्पॉइलर्स है, तो अगर आप स्पॉइलर्स नहीं चाहते तो वीडियो फिल्म देखने के बाद देखें, और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर वाली हॉरर घंटी। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। वेयरवुल्फ बाय नाइट जिसकी शुरुआत होती है रेनबो कलर के मार्वल लोगो के साथ, फिर मार्वल का ट्रेडिशनल बिगनिंग लोगो आता है स्टार्टिंग में कलर से भरपूर, और फिर एक पंजा उस पर पड़ता है और वो बन जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, जो इस फिल्म का कलर कोड भी है। बैकग्राउंड में औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो अक्सर हॉरर फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह से बताने की कोशिश है कि ये है तो मार्वल मूवी, पर बिलोंग करती है हॉरर जॉनर की तरफ जो एक्साइटिंग खून खराबे से भरपूर है। म्यूजिशियन माइकल गेचिनो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं इस एक घंटे की फिल्म के साथ, जो इंस्पायर्ड है मार्वल के वेयरवुल्फ बाय नाइट कॉमिक बुक रन से। फिल्म की शुरुआत में ही 6 एवेंजर्स, हल्क, ब्लैक विडो, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और हॉकाई का फोटो दिखाकर ये बता दिया जाता है कि 616 के मेन हीरोज की दुनिया अलग है और ये हॉरर वाली दुनिया अलग। फिर कुछ मॉन्स्टर्स के चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला चित्र है गॉब्लिन प्लस वैम्पायर का। साइड में उस अस्त्र का भी मेंशन है जिससे इस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। अगला चित्र है एक टू हेडेड वाटर मॉन्स्टर का। तो अब जब नेमोर इंट्रोड्यूस हो रहा है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, तो अंडर वाटर क्रिएचर्स तो दिखना शुरू हो जाएंगे ही एमसीयू में। अगला चित्र है एक बड़े से राक्षस का और एक शिकारी का जो उसका शिकार कर रहा है। ये राक्षस मार्वल कॉमिक्स से लिया हुआ एक किरदार है। अगला चित्र है बिगफुट का शिकार होते हुए। बिगफुट अमेरिकन पौराणिक क्रिएचर है जिसके होने न होने पर अटकलें चलती ही रहती। नरेटर हमें बताता है कि ये किताब है ब्लडस्टोन फैमिली का जो जनरेशन से मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा है। इंटरेस्टिंगली इस किताब में जितने भी डेमन्स को दिखाया गया है उनके सर ब्लडस्टोन के महल में टंगे हुए दिखते हैं बाद में जाके। ब्लडस्टोन फैमिली के पास एक सुपरनैचुरल रिलिक है जिसका नाम भी ब्लडस्टोन ही है, जो जनरेशन से पास हो रहा है इस फैमिली में। स्टोन की शक्तियों में से एक शक्ति है कि एक मॉन्स्टर को पहचान पाती है और मार भी पाती है। एक्चुअली मार्वल कॉमिक से लिया हुआ नाम है ये ब्लडस्टोन, जहां उसे बुलाया जाता था ब्लड जेम, पर क्योंकि जेम्स का इस्तेमाल ऑलरेडी एमसीयू में हो चुका है इन्फिनिटी स्टोन्स के रूप में, इसलिए नाम बदल दिया गया है। नरेटर हमें बताता है कि स्टोन आखिरी बार था यूलाइसिस ब्लडस्टोन के पास, का देहांत हो गया है। ये किरदार कॉमिक्स से लिया गया है जो 10,000 साल तक जिया और एज अ मॉन्स्टर हंटर एक्टिव था। ब्लड जेम को एक माला की तरह पहने हुए जो उसको शक्ति देती थी, पर इस फिल्म में उसे एक खानदानी मॉन्स्टर हंटर के हिसाब से दिखाया गया है जिसकी फैमिली 10,000 साल से राक्षसों का खात्मा कर रही है। कॉन्सेप्ट यही है, यूलाइसिस ब्लडस्टोन मर चुका है, अब उसका ब्लडस्टोन जो एक पावरफुल वेपन है किसी और मॉन्स्टर हंटर के पास जाएगा। इसके लिए होगा एक कंपटीशन, और ये अनाउंसमेंट करता है यूलाइसिस की आवाज एक एनिमेट्रिक बूथ जो बेस्ट ऑफ लक बोलने की जगह मॉन्स्टर हंटर्स को बोलता है ये। इन मॉन्स्टर हंटर्स में शामिल है जैक रसल, जिसे इस सीरीज में निभाया है मेक्सिकन एक्टर गेल गार्सिया बर्नेल ने। जैक रसल है वेयरवुल्फ बाय नाइट कॉमिक्स में जैक के एक एंसेस्टर ड्रैकुला के साथ लड़ते समय फंस गया था लेडी वेयरवुल्फ के चंगुल में, जिसने उसे काट दिया। हालांकि इमीडिएटली ये बीमारी उसकी फैमिली में नहीं आई, पर बाद में जैक के एक और एंसेस्टर को मिली बुक ऑफ डार्क होल्ड की कॉपी, जिसने इस कर्स को जैक की फैमिली में फिर से एक्टिवेट कर दिया, इसलिए जैक बन गया एक वेयरवुल्फ। इंटरेस्टिंगली मून नाइट पहली बार अपीयर हुआ था वेयरवुल्फ बाय नाइट की कॉमिक बुक इशू में ही, और वेयरवुल्फ का ये कॉमिक इश्यू कई बार मून नाइट सीरीज में टीज हो चुका है। इसके अलावा ये किरदार डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल के साथ भी इंटरेक्ट कर चुका है। जब जैक उस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ता है, कई सारे चित्र बनाए गए हैं दोनों तरफ के वॉल में, शायद ब्लडस्टोन फैमिली की कई मॉन्स्टर हत्या का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इन वॉल्स के इंस्क्राइब्ड चित्र में गौर के कॉमिक बुक इमेज का भी एक चित्र है, जो रिसेंटली दिखा था एज अ विलन इन थॉर लव एंड थंडर, और ये रोल निभाया था क्रिश्चियन बेल ने। उस रूम में घुसते ही एक बड़ा पोर्ट्रेट दिखता है यूलाइसिस का, एज उसके गले में वही ब्लडस्टोन माला है, साइड में एक तलवार पड़ा है, यूलाइसिस को ही बिलोंग करता है। फिर एंट्री होती है यूलाइसिस की बेटी एल्सा ब्लडस्टोन की, कॉमिक से एक और फेमस किरदार जो खुद एक मॉन्स्टर हंटर है और ऑब्वियसली ब्लडस्टोन की इनहेरिटर भी होनी चाहिए थी, जैसे वो कॉमिक्स में भी थी। पर उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और उसकी और उसके पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसी वजह से यूलाइसिस एल्सा को ये स्टोन नहीं दे रहा है।
एल्सा कॉमिक्स में मिडनाइट सन्स का भी पार्ट थी, जो कॉमिक्स में टीम अप है मार्वल के हॉरर हीरोज का, जैसे ब्लेड, मून नाइट, ब्लैक नाइट, पनिशर, डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सेट्रा। तो एल्सा का एमसीयू में इंट्रोड्यूस होना एक और इशारा है कि शायद मार्वल मिडनाइट सन्स वाला प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। वैसे ये भी दर्शाता है कि ये कहानी एक्चुअली एक ओरिजिन स्टोरी है एल्सा ब्लडस्टोन। एल्सा के एंटर होते ही ब्लडस्टोन लाल रंग फेरना शुरू कर देता है इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में, एज इफ अपने मालिक को पहचान रही है। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले वांडा विजन सीरीज में भी यूज हो चुका है। एल्सा का किरदार निभाए एक्ट्रेस लॉरा डोनली ने। जब यूरुसा, एल्सा की सौतेली माँ और यूलाइसिस की बीवी जिसे निभाया है हैरियट सैंसम हैरिस ने, अपना भाषण देने वाली होती है, एल्सा जोर से चेयर को खींचती है, जो मैन इन ब्लैक मूवी के इस सीन का रेफरेंस है। क्योंकि एल्सा ने इस मॉन्स्टर शिकार की दुनिया छोड़ दी थी, इसलिए बाकी सबके पास एक ताबीज है, उसके पास नहीं। गेचिनो एक सक्सेसफुल डेब्यूट में बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, चाहे वो सेटिंग को बनाना हो, जंप स्केयर्स हो, या ट्रांजिशन करना हो एक चेहरे से अंकाल तक का। फिर सारे मॉन्स्टर हंटर्स प्लेइंग अरेना के अंदर घुसते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, इसमें मेंशन होता है ब्लेड का। ब्लेड मार्वल का वैम्पायर हंटर है और अटकलें भी थी कि इस फिल्म में ब्लेड यानी मार्शल अली अपियर होने वाले थे, पर हो ना पाया। जब एल्सा मेज में घूम रही होती है तभी फोनोग्राफ में म्यूजिक बज रहा है, गाना है विशिंग विल मेक इट सो बाय वेरा लिन। एल्सा और साइमन नाम के मॉन्स्टर फाइटर के बीच फाइट हो रहा है, तब डायरेक्टर गेचिनो जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं वो है कल्ट हॉरर मूवी साइको का कल्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर होता है जंप स्केयर मूवमेंट, कहानी में आता है ट्विस्ट, इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए ये सब निकले थे, वो मॉन्स्टर एक्चुअली में एक अच्छा किरदार है और जैक का दोस्त भी है, और वो मॉन्स्टर है मैन थिंग। इस मूवी में मैन थिंग को एक क्यूट सा राक्षस दिखाया गया है जो गुस्सा आने पर भस्म कर देता है, पर कॉमिक्स में थोड़ा सा अलग है ये किरदार। मैन थिंग मार्वल की कॉमिक्स में है डॉक्टर टेड सैलिस, एक बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर जो मैन थिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया था जब उसने अपने आप को इंजेक्ट कर दिया अपने बनाए SO2 सीरम से, और उसकी गाड़ी जा गिरी एक मिस्टिकल दलदल में जहाँ मिस्टिकल नेक्सस बीइंग्स उसे बना देते हैं एक मॉन्स्टर द मैन थिंग। इसलिए जैक एल्सा को उसका नाम बोलता है ये। Call him by his name. Which is? Ted. कॉमिक्स में इस किरदार ने थंडरबोल्ट्स की मदद भी की थी और शी हल्क के साथ मिलकर फियर्सम फोर नाम की एक टीम भी बनाई थी। उसके पावर्स में शामिल है खुद के वेपन्स बना सकता है, लोगों को भस्म कर सकता है, इंटर डिमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। एल्सा और जैक दोनों फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों के फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, एल्सा की फैमिली किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करती थी जिसके वजह से एल्सा उन्हें छोड़ के चली गई, और जैक अपनी फैमिली के वजह से ही इस ऐसे कर्ज से सफर कर रहा है। एल्सा टेड को उसके नाम से बुलाती है Ted. और फिर भगा देती है और वो स्टोन उसके शरीर से भी निकाल देती है, और जब जैक उस स्टोन को पकड़ने जाता है वो स्टोन उसके अंदर के शैतान को पहचान लेता है। सबको मालूम पड़ जाता है कि जैक के अंदर कोई शैतान है। जैक एल्सा को उसे बचाने के लिए एक तरीका समझाता है और उसे सूंघ भी लेता है ताकि जब वो वेयरवुल्फ बनेगा उसे याद रहेगा कि एल्सा कौन है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उरुसा स्टोन के पावर को यूज करके जैक के अंदर के वुल्फ को निकालती है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टर के चीनो शैडो के थ्रू दिखाता है और एल्सा का रिएक्शन ही काफी है खौफ पैदा करने के लिए। जैक के वेयरवुल्फ वर्जन को देखने को मिलता है जिसका लुक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट इंग्लिश मूवीज जैसी बनाई गई है, और ऐसा ही लुक हिंदी फिल्मों में भी दिखा था जो संजीव कुमार जानी दुश्मन के एक इटरेशन में वेयरवुल्फ बने थे। इस वेयरवुल्फ की आंखें ग्लो कर रही है और शरीर में काले रंग के बाल भरे पड़े हैं। गेचिनो फिर एक बहुत क्रिएटिव एक्शन सीक्वेंस का नमूना दिखाते हैं जहां वुल्फ गुंडों को ब्रूचली मार रहा है। एक बार तो खून के छींटे कैमरा पर भी गिरते हैं। एल्सा दो मॉन्स्टर हंटर्स को और ब्रूचली मारती है। ये खून खराबा वॉयलेंस दर्शाता है कि मार्वल रेडी है डेडपूल डेयरडेविल जैसे किरदारों को आर रेटेड बनाने के लिए ताकि इन किरदारों को एमसीयू में प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिले। ये एक घंटे की मूवी इस जॉनर में एक्साइटिंग स्टार्ट है। फिर एल्सा को मिल जाता है उसका ब्लड स्टोन और अचानक ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया कलर में बदल जाती है, एज ए ब्लड स्टोन ने अपना नया मालिक मिलने पर कलर्स बिखेर दिए। फोनोग्राफ में बज रहा है ओवर द रेनबो सॉन्ग बाय जूडी गार्लैंड। वही गाना तब भी बज रहा होता है जब जैक रीट्रांसफॉर्म होता है एज इफ ये उसका ललेबी हो, जैसे एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा के पास हल्क का ललेबी था। वेयरवुल्फ पे नाइट को मैं देना चाहूंगा 4/5। ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है एज अ मार्वल फैन मेरे लिए, पर मैंने बहुत इंजॉय किया। ये ब्लड, ये गोर, ये मॉन्स्टर्स जो अब एमसीयू का पार्ट है, एक तरह से इशारा कर रहे हैं और फेमस मार्वल हॉरर किरदार ब्लेड घोस्ट राइडर के आगमन का भी। गेचिनो का विजन और उनका क्रिएटिविटी हर फ्रेम में झलकता है। मिस मत कीजिएगा इस डिलाइटफुल हॉरर एक्सपीरियंस को, और मैन थिंग तो जान है जान।
कुछ रीसेंट वीडियोस इंक्लूडिंग शी हल्क एपिसोड 8 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो और आदि पुरुष ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में डाल दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड ब्रेकडाउन रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटन रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ProNeetDiary.blogspot.com में।